हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवीस ट्रैवल चैनल एंड दिस इज मलेशिया सीरीज। हमने अपना जो प्लान किया था वो सिंगापुर और मलेशिया का कंबाइन किया था, तो ये फ्लाइट हमने फिर सिंगापुर से ली थी डायरेक्ट लंकावी की। लंकावी मलेशिया का फेमस आइलैंड है जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉपुलर है, जैसे ये ड्यूटी फ्री आइलैंड है और इसमें केबल कार भी है जिसपे आप हाईएस्ट स्काई ब्रिज पे जा सकते हो, ग्लास व्यू के साथ उसको एंजॉय कर सकते हो। और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। इस लंकावी वर्ड का मतलब ये है कि ब्राउन ईगल, यहाँ पे ब्राउन ईगल बहुत मिलती है। लंकावी वैसे भी रिजॉर्ट के लिए फेमस है और हमारे रिजॉर्ट की तो ऐड एयरपोर्ट तक में थी, डैश रिजॉर्ट की। काफी अच्छा रिजॉर्ट था। आते ही सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट ट्राई किया वहाँ का, उसमें केजरीवाल के नाम से भी एक डिश थी। इसका ओवरऑल खाना भी ठीक ठाक था, बट रूम भी इसका डिसेंट था व्यू के साथ। बट सबसे मेन था इसके अंदर जो जो इस रिजॉर्ट की थीम, जो इस रिजॉर्ट की वाइब, ऐसा लगा था जैसे पार्टी प्लेस है। और स्विमिंग पूल भी काफी, बिल्कुल प्राइवेट बीच था इसका अपना, एडजेसेंट था उसके पास ही, एंड डीजे था ऑल नाइट। इस रिजॉर्ट में काफी डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स बने हुए थे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कबानास लगे हुए थे सी साइड से स्विमिंग पूल के पास, एंड उसके अलावा कुछ एक मेज बना हुआ था अंदर ही रिजॉर्ट में। काफी कुछ था, अपना प्राइवेट बीच भी था जहाँ पे लगे हुए थे कबानास, तो आप वहाँ पे अपना लंच वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और डीजे साइड में चलता रहेगा। साइड पे वाटर एक्टिविटीज भी हो रही थी, जेट स्की एंड पैरासेलिंग एंड एवरीथिंग, वो भी आप कर सकते थे वहाँ पे रेंट पे लेके, तो काफ़ी अच्छी वाइब थी। लोग लोकल गेम खेल रहे थे सी साइड पे, हमें तो समझ नहीं आया क्या क्या गेम थी, बट काफ़ी फन करते थे। हम टैक्सी लेके वहां से एक पब्लिक बीच पे गए, वहां पे हमने सनसेट का मजा लिया। लंकावी ड्यूटी फ्री आइलैंड है इसलिए हम ड्यूटी फ्री शॉप पे चले गए। इसके बाद लंकावी के मेन अट्रैक्शन में जो कि है किलिम डियर फॉरेस्ट पार्क, और इसमें बहुत कुछ है। इसमें किलिम जो रिवर है वो अंडमान सी से जाके मिलती है, आइलैंड को भी टच करती है। 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा पार्क। इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं, मंकी फॉरेस्ट है, बैट केव्स हैं, क्रोकोडाइल केव है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स हैं, ईगल फीडिंग सेशन है, मंकी भी स्विम करते हैं अलॉन्ग द बोट, और ये पूरा ग्रीन वाटर है रिवर का, तो ये बहुत इंजॉयबल राइड है। मैंग्रोव ट्री का पूरा फॉरेस्ट है, ये इस तरीके से देखते हैं ये। आप किलिम जियो फॉरेस्ट के टिकट इसकी ऑफिशियल साइट से बुक कर सकते हो, ये नंबर्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टूर्स होते हैं इसके, 9 to 5 ओपन होता है। 2 आवर्स के टूर में कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, 3 आवर्स के टूर में कुछ चीज़ें और एडिशन होती हैं, जैसे क्रोकोडाइल केव हो गया और बीच स्विमिंग हो गया। फिर 4 आवर का टूर है, ये रिंगिट्स में इसका अमाउंट है, तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो डायरेक्टली, और आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। पहले गए हम बैट केव्स, बैट केव्स के आसपास मंकी भी बहुत थे और उसके अंदर बैट्स तो पूरे अंधेरे में थे, वहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन नहीं कर सकते, उन्होंने मना किया था, तो हमने कुछ पिक्स ही करी उसमें वहाँ पे।
उसके बाद गए हम ईगल फीडिंग में, वो भी बहुत अच्छा था। ईगल वहाँ पे क्यू बना के सीक्वेंस में आ रही थी, इट वॉज वेरी एस्टॉनिशिंग। This is seagull. This is Langkawi. एक दो पोज मारने के बाद फिर हम चले गए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। वहां से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में, जो कि इसी टूर का पार्ट है, वहां पे आप लंच कर सकते हैं। वहां पे अलग अलग फिशेस हैं तो आप उनको फीड कर सकते हैं। फिश फीडिंग के लिए मेन टूर है वो। Oh. You just put your hand in the water, you shake the water. कुछ तो मुंह बना के चलेगी, लगता है उनको खाना पसंद नहीं आता। सॉरी, व्हाट इज द नेम? ये वाली स्टिंगरी तो काफी देर तक घूरती रही कि खाना खिलाया भी और फेंक दिया। वहाँ फिश को फिश ही खिला रहे थे। उसका तो सही है यार नवीन जी। किसी को क्रैब ऑर्डर करना है तो वहां पे लाइव पकड़ के उसको वे करके फिर फ्राई करके प्लेट में सर्व कर देते। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रिप में था, टूर में था क्रोकोडाइल केव। फिर वहां से हम क्रोकोडाइल केव चले गए। पार्क में मैंग्रोव ट्रीज ही ट्रीज हैं, ये पूरा फॉरेस्ट ही उसी चीज का था। हम अंडमान सी की साइड पे चले गए क्योंकि ये रिवर मीट होती है अंडमान सी की साइड पे, जो कि थाईलैंड का बॉर्डर भी पड़ता है। वहां पे थाईलैंड का कनेक्शन और नेटवर्क रेंज भी आ जाती है आपके फोन में। मैंग्रोव ट्री मिले काफी। होता क्या मैंग्रोव फॉरेस्ट?
आप मलेशिया का ई वीज़ा लगवा सकते हैं, ये उनकी ऑफिशियल साइट है। ई वीज़ा की अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस है 2500, और अगर बाहर से कहीं लगाएं तो आई थिंक 3400 उसकी फ़ीस है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 डेज लेता है। टूरिस्ट वीज़ा जो कि दो तरह की ऑप्शन है इसमें, मल्टीपल एंट्री वीज़ा और सिंगल एंट्री वीज़ा। हमने सिंगल एंट्री वीज़ा लिया था, और इसमें कई की बार आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं तो आपको मलेशियन एम्बेसी जाना पड़ता है, अदरवाइज मोस्टली ये ई वीज़ा अप्रूव होकर डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में आ जाता है, मेल पे जो आप मेल आईडी देंगे, और आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी का वीज़ा मिल जाता है। गए वहाँ के फेमस केबल कार और स्काई ब्रिज लंकावी में, वो एक ग्लास ब्रिज है टॉप पे कर्व्ड शेप में, और वहाँ पर डॉन फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है, काफ़ी अच्छा था। केबल कार मेंटेनेंस में रहता है, या स्काई ब्रिज भी काफ़ी दिन मेंटेनेंस में रहता है, 1 मंथ, तो चेक कर लेना क्योंकि ये डिस्टेंस पे है काफ़ी। लंकावी जो मेन आइलैंड है उससे 1 आवर टैक्सी लेके आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। वहाँ पे हम एक लंकावी में पार्क में गए, वो भी अच्छी थी काफ़ी, और फिर वापस अपने रिजॉर्ट। रिजॉर्ट में थोड़ी बहुत स्विमिंग करी, डीजे एंजॉय किया, खाना खाया, और मोस्टली चिल किया, अच्छी वाइब थी वहाँ पे भी। Lately I'm chasing waterfalls, I wonder what's behind the glass, 'cause you take my emotions wear them down so that it's destructive and मॉर्निंग हमें निकलना था, आफ्टरनून की फ्लाइट थी, उससे पहले हमने एक और पॉइंट कवर करना था, ईगल वाला दातरान लांग, फिर वहां गए, वहां शॉपिंग के लिए भी अच्छा और पिक्स कराने के लिए भी बहुत अच्छा। वो एयरपोर्ट के पास ही था तो फिर हम वहां से एयरपोर्ट निकल गया।